देवबंद के दारुल उलूम अशरफिया मदरसे में सर्वे करने पहुंचे एसडीएम देवबंद दीपक कुमार उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 5 अक्टूबर को गैर मान्यता प्राप्त मदरसे एवं मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेजी जाएगी, जिसको लेकर सभी जगह सर्वे किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सहारनपुर के देवबंद में एसडीएम दीपक कुमार ने दारुल उलूम अशरफिया मदरसे का सर्वे किया और दस्तावेजों की जांच की। एसडीएम दीपक कुमार का कहना था कि देवबंद के अंदर ऐसे 100 मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। अभी तक 12 या 13 मदरसों का ही सर्वे किया गया है, आगे सर्वे जारी रहेगा। सहारनपुर जिले में 554 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 76 गैर मान्यता प्राप्त। यह आंकड़े 2020 के हैं। अब शासन द्वारा आदेश आया है तो लगातार सर्वे किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा 1000 से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय का आदेश है शासन के आदेश क्रम में कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सभी का सत्यापन किया जाना। उसके सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई है, उसमें एसडीएम है और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बनाया गया है। तो इन्हीं के टीम के द्वारा ही तीनों विभागों की टीम के द्वारा गांव और कस्बे में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सभी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए फॉर्मेट दिया गया है, उसी प्रारूप पर उनसे वो सूचनाएँ प्राप्त करके रिपोर्ट 5 तारीख तक जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जानी है। आज के भी मदरसों का क्या है? आज मेरे द्वारा एक मदरसे का सत्यापन किया गया है, जकरिया मस्जिद मदरसा है रोड पर यहीं पर। बाकी के लिए लेखपाल और शिक्षा विभाग का और साल संचय विभाग का टीम बना दी गई है ताकि अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग प्रारूप पर सूचना एकत्रित करके उपलब्ध कराएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।